प्रणाम। कैंसर सेक्टर ये सहायक क्रिया है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसके साथ क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है और वाक्य बनाने के लिए अगर हम एक फॉर्मूला तय करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर कैन जो कि स्वयं हेल्पिंग वर्ब है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्ता जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। प्लस एक्सटेंशन अर्थात विस्तार। एक सेंटेंस देखते हैं, कर्ता यानी जो कार्य करता है, आई कैन डू। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। यू कैन ऑल्सो डू इट, आप भी यह कर सकते हैं। एवरीबडी कैन डू इट, हर कोई इसे कर सकता है। पीपल कैन डू इट, लोग इसे कर सकते हैं। एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट का सेंटेंस, एसी कैन कूल दिस रूम विद इन 5 मिनट्स। एसी इस कमरे को 5 मिनट में ठंडा कर सकता है। चॉक डस्ट कैन हार्म योर आईज, चॉक डस्ट आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। एक और नॉन लिविंग का सेंटेंस, दिस वायर कैन बी डेंजरस, यह वायर खतरनाक हो सकता है, या ओपन वायर कैन बी डेंजरस, खुला हुआ तार खतरनाक हो सकता है। इसमें मुख्य क्रिया है बी, ओपन वायर कैन बी डेंजरस, खुला हुआ तार खतरनाक हो सकता है। इंग्लिश कैन बी ब्यूटिफुल इफ एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, अगर अच्छे से समझाया जाए तो इंग्लिश खूबसूरत हो सकती है। ये एक्टिव वॉइस के वाक्य देखे दोस्तों हमने, जिसमें कर्ता कार्य कर रहा था। अब चलते हैं राइटिंग वर्क की बात करते हैं, अर्थात ड्राफ्ट आदि की। राइटिंग वर्क में अधिकतर पैसिव वॉइस का प्रयोग होता है, ड्राफ्ट्स में भी। पैसिव वॉइस अर्थात जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता एक्टिव ना हो, सक्रिय ना हो, पैसिव हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस है, इसमें कर्ता सक्रिय है, वो इस काम को कर रहा है। मैं यह कर सकता हूं, मैं। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। इट, ऑब्जेक्ट जो है यहां सब्जेक्ट में बदल गया। हेल्पिंग वर्ब, यहां बी का अहम योगदान है। बी चैप्टर को बेहतर समझने के लिए बी चैप्टर का एक वीडियो है, वो देखिए।
इट कैन बी। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है, हमेशा। इट कैन बी दैट, स्कूल कॉलेज में या अन्य ग्रामर में आमतौर पर सिखाया जाता है बाय लगाना, लेकिन हमेशा बाय वाला पैसिव वॉइस प्रैक्टिकल नहीं होता है। व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पैसिव वॉइस में बाय की बहुत जरूरत नहीं है। लगा सकते हैं इट कैन बी डन बाय मी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और आई का ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। सेंटेंस को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं एक शब्द रख देता हूं, इजीली। इट कैन बी डन इजीली, ये आसानी से किया जा सकता है। पैसिव वॉइस की आधारभूत पहचान है किया जाना, लेकिन बोलचाल में हम ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं ये तो आसानी से हो सकता है, इट कैन बी डन इजीली, या दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी कंप्लीटेड विद इन 15 days, व्हाई आर यू डिलेइंग इट, ये काम तो 15 दिन में खत्म हो सकता है या किया जा सकता है, फिर आप इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। पैसिव वॉइस कैन बी लर्न्ड इजीली, पैसिव वॉइस आसानी से सीखा जा सकता है। राइटिंग वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बेटर ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव वॉइस, राइटिंग वर्क पैसिव वॉइस के आधार पर बेहतर किया जा सकता है, हो सकता है। सो मैनी थिंग्स कैन बी रिटन ओनली इन पैसिव वॉइस, बहुत सारी चीजें पैसिव वॉइस में ही लिखी जा सकती हैं। ये हो गया राइटिंग वर्क के लिए।